अ वेरी एनर्जैटिक गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। आई होप बच्चा पार्टी तुम सारे ठीक ठाक होवोंगे। सो तुहाडे नाल जिहड़ा हैगा सिलेबस तुहाडे नाल शेयर करना सीगा। बेसिकली इहदे विच आपां साइंस स्ट्रीम दा सिलेबस जिहड़ा मैं तुहाडे नाल शेयर करना है। हुण तुहानूं पता है साइंस दे विच मैडिकल भी आ जाती है तो नॉन मैडिकल भी आ जाती है, ठीक है। तुहानूं इन्ना पता है कि जिहड़ी फिजिक्स हुंदी है ते जिहड़ी कैमिस्ट्री हुंदी है, ये दो सब्जेक्ट इदां दे आ जिहड़े मैडिकल नूं भी पढ़ने पैंदे ने ते नॉन मैडिकल नूं भी पढ़ने पैंदे ने। लेकिन मैडिकल दे विच तुसीं बायोलॉजी पढ़ते हो ते नॉन मैडिकल दे विच तुसीं मैथ्स पढ़ते हो। सो दैट मीनस इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 11th ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ 2023-24 ਬੈਚ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ 70 ਨੰਬਰ ਨੇਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ 25 ਮਾਰਕਸ ਨੇਗੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ 5 ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ 100 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। सब तो पहला रजे ये अगर मैं तुम्हें चैप्टर वाइज करवावा तो जो भी सिलेबस है हूँ चाहे क्योंकि हूँ अपना जोड़ा है ये पंजाब बोर्ड है PSEB बोर्ड है तो चाहे मेरीटोरियल स्कूल हो अपने नॉर्मल स्कूल हो जोड़ा सिलेबस है यू ही फॉलो कराया जाएगा, यही कंप्लीट करवाया जाएगा। सो तो रजे चैप्टर 1 की है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तुम्हें पता है अपन यूनिट्स होंगे ने जिड़िया भी तुम्हें SI यूनिट्स पढ़िया ने ये बहुत जोड़ा है दिस इज़ द बेसिक, ठीक है। सो मैं सारे बच्चों यही सुजैसट करूँगी कि आह चैप्टर 1 तो एटलीस्ट तुम अपना करके ही जाए। डोंट वरी, सिलेबस करवाने तो बाद मैं खुद भी तुहाडे लिए वीडियो अपलोड कर दांगी, ठीक है। हरेक सब्जेक्ट का तुहानू यूनिट 1 या चैप्टर 1 मैं करवा के ही भेजांगी सो दैट तुहाडी एक फाउंडेशन तैयार हो सके, ठीक है। चैप्टर 2 तुहाडा हैगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। हुण अगे अगे जिवें तुसीं वधदे जाओगे तुहाडे जिहड़े यू नो मतलब कह लो कि सब्जेक्ट आ उहनां दा डिफिकल्टी लैवल थोड़ा 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 वधदा जाएगा। हुण मोशन इन प्लेन आ गया, इहदे तुसीं स्केलर क्वांटिटीज़ बारे पढ़ोगे, वैक्टर प्रोडक्ट्स बारे पढ़ोगे, बहुत चीज़ा हुंदियां ने, ठीक है। ए वाला जिहड़ा चैप्टर है इहदे थोड़ा मैथमैटिक्स का पोर्शन भी हुंदा है, ज़्यादा नहीं हुंदा थोड़ा जिहा ही हुंदा, ठीक है। उस तो बाद राजे लॉज ऑफ मोशन जिहड़े भी अपने न्यूटन साहब ने लॉ दिते ने वो सारे डिटेल च होणगे इत्थे। उस तो बाद अपने कोल नैक्सट हैगा वर्क एनर्जी एंड पावर, तुसीं पूरा डिटेल च पढ़ सकदे होंगे, ठीक है, कि अगे जिहड़े हैगे ने उहदे च अगे टॉपिक्स कह लो या सब टॉपिक्स कह लो। चैप्टर 6 तुहाडा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जिहड़ा हैगा चैप्टर वह हैगा। उस तो बाद राजे गल करिए अगे ग्रेविटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सानू 2-4 थ्यूरम्स वगैरह भी करनिया पैणगियां। उस तो बाद राजे मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, मकैनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूड, ये सारिया चीज़ों बारे आप डील करांगे, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट देख लो थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, अलग अलग जिहड़े आप मैटर पढ़े नहीं हूँ आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, ठीक है। जिहड़े लॉज वगैरह होणगे ये तुसीं बहुत अच्छे तरीके नाल देखने ने, बिकॉज जिहड़े ये लॉज वगैरह ने काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेगे और ये आते ही होंगे ने, ठीक है। नैक्सट रजे थर्मोडायनामिक्स, ये भी बहुत जिहड़ा हैगा इंपॉर्टेंट तुहाडा चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, इहदियां भी थ्यूरम्स बहुत आंदियां ने, ठीक है। जीरोथ लॉ बहुत फेवरेट है, ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीरोथ लॉ करके जाओ मतलब ऑब्वियसली सारा कुछ करोगे, रिवर्सिबल इररिवर्सिबल बहुत ही बेसिक जिहड़े हैगे ने तुहाडे ये यू नो मतलब बेसिक भी तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ने, है ना। फिर काइनेटिक थ्यूरी आ गया, तुसीं इहदे सारा कुछ पढ़ना होएगा, परफेक्ट गैस वर्क डन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स ने तुहाडी फिजिक्स दियां, ठीक है। उस तो बाद रजे अपने कोले ऑस्किलेशंस एंड वेव्स आ जाते हैं, फिर ये पूरा तुसी वेव बारे पढ़ोगे, ठीक है। उस तो बाद इहदे विच रजे इन्होंने एक नोट दिता हुआ है, मैं तुहानू पढ़ के सुना दिनी हाँ। उन्होंने बोलिया होया द टॉपिक्स गिवन बिलो आर इन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ PSEB बट नॉट मैनशनड इन बुक by PSEB, so these topics are to be done with students and paper will include these topics and questions from these topics. Topics are not considered as out of syllabus. Okay, so इन्होंने रजे जिहड़ी गल कही हुई है कि जिहड़े भी इन्होंने बुक्स प्रिस्क्राइब कीतियां ने यानी NCERT दियां बुक्स इन्हां दे अकॉर्डिंग NCERT, लेकिन अपने मेरीटोरियस तो अलग बुक्स फॉलो करवाइया जाएँ जिहड़ियां तुसीं परचेज नहीं कर रहे हैं, तुहानूं लाइब्रेरी चों ही इशू हो जाणियां ने। अगर एक अद्धी ना भी होई तां तुसीं एक अद्धी परचेज कर लियो। तो रजे ये वाले टॉपिक्स ने जिहड़े इन्होंने एसच NCERT दे विच नहीं दिते हुए, लेकिन उन्होंने क्या कि ए वाले जिहड़े टॉपिक्स ने आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इन्हां दे विच्चों भी क्वेश्चन आउणगे तुहाडा, यानी जिहड़े भी तुहाडे मार्क्स वगैरह बनणगे, जिहड़े भी तुहाडा फाइनल एग्जाम वगैरह होणगे उहदे च ए भी आणगे, ठीक है। उहदे च जिहड़ा एवोगैड्रो नंबर है ए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ए वाला एवोगैड्रो नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट ने, ठीक है जी। सो रजे ए तो बाद तुहाडा तुसीं प्रैक्टिकल्स का अपना पूरा पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो, जिहदे च तुहानू दो एक्सपैरीमेंट होणगे, ठीक है। अलग अलग चीज़ा ने बेसिकली, तुहानू सारे उत्थे प्रॉपर प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, है ना। ये टाइम पास वाली गल नहीं हैगी, उत्थे प्रॉपर रजे तुहानू प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता, हरेक चीज़ कल्ले कल्ले बच्चे तो करवाई जाती है। और अगर तुहानू समझ नहीं लगती तुसीं जिन्नी वारी मर्जी पुछ लो, ठीक है। ये तुहाडे एक्सपैरीमेंट्स ने, तुसीं रजे इन्हां नू भी एक वारी
अपनी निगाह विचों दी कढ़ लेना सो दैट तुहानू पता चल जाए कि हाँ तुसी ये वाले जिहड़े हैगे ने टॉपिक्स या ये वालियां जिहड़े एक्सपैरीमेंट दे टॉपिक्स ने ये तुसी करने ने। ठीक है, लास्ट ते मैं आई विल टैल यू कि तुहानू ये PDF कित्थों मिलेगी। अगर हो सकिया तां मैं कमेंट सैक्शन च पिन कर दांगी, अदरवाइज आई विल टैल यू कि तुहानू ये PDF कित्थों मिल जाएगी। ओके राजे, जो अपना फिजिक्स दा हो गया, हुण नैक्सट आपां देखदे हां केमिस्ट्री। सो राजे, ये वाला अपना केमिस्ट्री का हैगा, तुहानू पता है मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों लिए सेम है, ये भी आ सारा सेम ही है। थ्यूरी तुहाडी 70 नंबर की, प्रैक्टिकल 25 नंबर के, इंटरनल असैसमेंट 5 नंबर की, तो टोटल तुहाडा पेपर 100 नंबर का बन जाएगा। ठीक है, सब तो पहला राजे यूनिट 1 हमेशा जी है बेसिक होंगे, क्योंकि तुम 10th तो बाद एक इदा की स्ट्रीम जा रहे हो जिद बहुत ही मतलब कोई अपना खास लेना देना नहीं है, सिर्फ तुहानू थोड़ियां बहुत टर्म्स पता ने, बाकी सारिया टर्म्स तुहाडे लिए बिल्कुल ही न्यू होणगियां। मतलब एक बार तो तुहाडा जमी बेस जा तुसी कह लो हिल जाएगा, बट तुसी उत्थे घबराना बिल्कुल नहीं है, बस टाइम नू टाइम देना थोड़ा जिहा। ठीक है, समय नू समा दिओ थोड़ा एडजस्ट करन दे लई। सो यूनिट 1 राजे सम बेसिक कॉन्सैप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तुहानू इहदे च बेसिक कॉन्सैप्ट करवाए जाणगे। ठीक है, इह तां बहुत जिहड़ा सौखा जिहड़ा हैगा चैप्टर भी है, लेकिन बहुत इंट्रस्टिंग है और तुहाडी बेसिक यही स्ट्रोंग करेगा। सो अगर तुसी ये वाले पहले 2-3 चैप्टर अच्छे तरीके नाल कर लोगे, तुहानू अगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मतलब खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तुम देखोगे अटोमिक एंड मॉलिकुलर मासेस की होंगे ने, मोल कॉन्सैप्ट, मोलर मास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैं तुम्हें दस दिनी हाँ। कई बच्चे ये ही उलझ जाएंगे, मतलब तुहाडे डाउट कदे क्लीयर ही नहीं होने, मोलर मास की हुंदा है, अटोमिक एंड मॉलिकुलर मासेस की होंगे ने। सो ये इसलिए मैं कह रही हाँ कि थोड़ा जहा एटलीस्ट चैप्टर 1 अपने सिलेबस का रजे करके जाए, नहीं मेरी गल तो बार बार उत्थे कन्ना च गूंजी जानी, फिर उत्थे कुछ नहीं कर सकोगे तुसी। ठीक है, सो हुण तुहाडे कोल टाइम है, टाइम वेस्ट करन दी बजाय इस टाइम नू यूटिलाइज करो, क्योंकि टाइम वेस्ट तां जदों मर्जी कर लो हो ही जांदा है। नैक्सट राजे स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ोगे तुसी, क्लासीफिकेशन ऑफ एलीमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हुण तुसी इहदे पूरा पीरियोडिक टेबल दे नाल डील वगैरह करोगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, दिस इज ऑलसो, इहदे च तुसी पूरा है ना आ सारे ऑर्बिटल्स बारे पढ़ोगे। ठीक है, हुण जिहड़े बच्चे मतलब इंग्लिश पंजाबी मीडियम चो ये जाएंगे, उन्होंने थोड़ा जा लाइक एडजस्ट करन च थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन इट्स ओके, सारा कुछ टाइम दे नाल सेट हो जाएगा। फिर इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तुसी, रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ोगे जिदे च तुसी ऑक्सीडेशन वगैरह तुहानू पता ही है की हुंदी है थोड़ी बहुती, तो बाकी हुण डिटेल च पढ़ोगे तुसी है ना हरेक चीज़ नू। फिर आ तुहाडे टॉपिक्स ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टैक्नीक्स। फिर तुसी हाइड्रोकार्बनस पढ़ोगे है ना, हुण भी तुसी हाइड्रोकार्बन तुहानू हैगा सी लेकिन बहुत थोड़ा सीगा। ठीक है, उस तो बाद राजे तुहाडा प्रैक्टिकल सिलेबस वगैरह हैगा, ये तुसी देख लियो, ये मैं तुहानू जिहड़ी PDF है कमेंट सैक्शन च पिन कर दूंगी, अदरवाइज आई विल टैल यू। ठीक है राजे, सो बेसिकली तुहाडा एक केमिस्ट्री का सिलेबस है, मेरी वीडियो बेसिकली बनाने का ही परपज है कि तुहानू एक बार मोटा मोटा मैं ये भी दस दाँ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ने या कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने, और जड़ियाँ 2-4 गल्लां मैं तुहानू मतलब दसनिया ने, मैं विच तुहानू दसी चला कि भाई ये वाले इंपॉर्टेंट ने, ये वाले करके जाओ या जिवें भी तुसी डील करनी है। ठीक है जी, सो राजे अपना केमिस्ट्री का हो गया, हुण तक याद रखियो आपां गल कर रहे हैं PCMB, यानी अपने 4 सबजैक्ट ने, साइंस दे विच फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये दोनों बच्चों लिए है, मैडिकल लिए भी है तो नॉन मैडिकल लिए भी है। हुण आपां मैथ्स नू देखांगे तो फिर आप बायोलॉजी नू देखांगे। ठीक है राजे, सो चलो आप मैथमैटिक्स नू देख लिए हुण। ओके राजे, सो ये अपना मैथमैटिक्स का सिलेबस है, राजे बिल्कुल रीसेंट सिलेबस है तुहाडा 23-24 का, क्योंकि तुहाडा एतकी थोड़ा जिहा सिलेबस रिड्यूस होया मेरे हिसाब नाल। सो चलो देखते हैं राजे अपना मैथमैटिक्स का पेपर, अगेन 3 घंटे के ही पेपर ने अपने सारे जिहड़े मेन सब्जेक्ट ने, इहदे च तुहाडी थ्यूरी जिहड़ी हैगी 80 मार्क्स की है, इंटरनल असैसमेंट 20 मार्क्स की, और टोटल 100 नंबर का पेपर है। ओबवियस जी गल है, मैथमैटिक्स दे विच हुण कोई प्रैक्टिकल्स तो नहीं करोगे तुसी, तां इहदे इसे करके इहदे च जिहड़ी इंटरनल असैसमेंट है वो ज़्यादा थोड़ी जी। ठीक है, सो इहदा सिलेबस राजे नंबर 1 सैट। ठीक है, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिहड़ा हैगा, तुसीं तुहानू याद होवे अगर तुसीं, मैं तुहानू एक दिन वीडियो करवाई सी जिहदे च मैं तुहानू है ना नंबरस बारे कराया सी कि अपने कोल 2 तरीके दे नंबरस हुंदे ने, एक रीयल नंबरस हुंदे ने ते एक इमेजनरी नंबरस हुंदे ने, जिहनू आपां आयोटा यानी आई हुंदी है वैसे तां इह, लेकिन आपां इहनू आयोटा बोलदे हाँ। सो हुण आयोटा जिहड़ा हैगा तुहानू नंबर 1 जिहड़ा हैगा अपना इहदे च बेसिकली हुण इस यूनिट 1 च तुहानू इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उस तो बाद राजे रिलेशनस एंड फंक्शनस। ठीक है, इह सारियां चीज़ां तुहानू आणगियां, डोमेन की हुंदी है, कोडोमेन की हुंदी है, मैथमैटिक्स बहुत इंट्रस्टिंग है ना, लेकिन हुण जिवें तक तुसी हुण पढ़ते आए हो राजे कि तुसी प्रॉफिट कढ़ लिया, लॉस कढ़ लिया है ना, कदे तुसी इन्हें देख लिया कि सिंपल इंट्रस्ट किन्ना किसी चीज़ का, कंपाउंड इंट्रस्ट किन्ना, वह सिलेबस नहीं है हुण, वह बिल्कुल नहीं है। मैथमैटिक्स का जो 11th सिलेबस है दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट, और ग्रेजुएशन जाते जाते पता नहीं मैथमैटिक्स की वो बन जाता है। मैं तुहानू डीमोटिवेट नहीं कर रही, बट मैं तुहानू कह रही हूँ कि बी रेडी, अपने माइंड को तैयार रखो कि सिलेबस बिल्कुल चेंज है, नवीं टर्म्स आनगियां, नवा सारा कुछ आएगा। ठीक है,
सो उस हिसाब नाल अपने माइंड नू प्रिपेयर करके लैके जाइयो, ठीक है। उस तो बाद राजे तुहाडे कोल ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शनस आ जाते हैं जिदे च तुसीं अलग अलग जिवें तुसीं फॉर्मूला थोड़े बहुत तुहानू पता ही होणगे, जिवें आपां टैन एक्स प्लस वाई वाला कीता सीगा, ठीक है। मतलब इन्हां ने प्लस माइनस आप ही देता कि जिवें तुहानू पता ही होएगा बेसिकली, है ना, की है कि जिहड़ी आह प्लस वाली तो उपर जिहड़ियां टर्म्स ने उहदे फॉर्मूले दीआं ने, नीचे वालियां जिहड़ियां टर्म्स ने उह माइनस दे फॉर्मूलाज दीआं ने, ठीक है। चलो कोई गल नहीं, आपां तुहानू करवा दांगे। नैक्सट जे अपने को अलजैबरा आ जाते, अलजैबरा दे विच तुसी कॉम्पलैक्स नंबरस पढ़ोंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशनस पढ़ोंगे, हाँ आ वाला आ गया ना आयोटा बेसिकली इतने होंगे, वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ पढ़ोंगे, ये भी बहुत इंट्रस्टिंग ने। फिर तुहाडे कोल इत्थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बीनेशन बहुत इंट्रस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायनोमियल थ्यूरम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्यूरम, हमेशा आती है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ ए पी जी पी जी तुम हूँ माड़ा माड़ा जहाँ बस प्रसाद लिया, हूँ तो इतने पूरा जोड़ा है वो कह लो कि पूरा लंगर इतने तो मिलेगा, ठीक है जी। एक हिसाब ना आप कह सकते हैं। उस तो बाद जी अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ जाती है, जिसे आप स्ट्रेट लाइन पढ़ांगे, आप कॉनिक सैक्शनस बारे पढ़ांगे और थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्री आप इंट्रोड्यूस करांगे, ठीक है जी। उस तो बाद रजे कैलकुलस, ओ माई गॉड दिस इज़ तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिमिट्स एंड डेरीवेटिव बई इन ध्यान कर लियो, क्योंकि ग्रेजुएशन जे बच्चों ने यूनो जिन्होंने बी एस सी नॉन मैडिकल करनी है तो उन्होंने लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला जोड़ा है वह कह लो कि यूनिट है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रजे। ये बेसिकली सब तो कह लो कि जेडे बच्चों का थोड़ा जहा टफ भी हो जाता लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंट्रस्टिंग है, जो फॉर्मूलाज ने बहुत ही ज़्यादा इंट्रस्टिंग ने, बहुत ही ज़्यादा घेंट नहीं, पर तो आनू अपना बेसिक रखना पड़ेगा। हूँ की टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें फॉलो करनी ने मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, बिकॉज नहीं तो वीडियो ही अपनी बहुत लेंथी हो जाएगी और फिर इन्हें अपलोड नहीं होना, ठीक है। सो ए वाला जो टॉपिक है इनू तो बहुत ध्यान नाल, बहुत प्यार नाल, बहुत आराम नाल करो, बिकॉज दिस इज़ द लाइक यू नो हूँ तो जो बच्चे ने टीचिंग लाइन से जाना ना, क्योंकि हम तुम्हें पता ही है कि आप पेपर देना है ना, तो उद्देश भी आह जे ने भी पूछे जाते हैं, सीधा मतलब अगर तुम हूँ तो अपना जो कॉन्सैप्ट तैयार रखोगे तो अगे जी फील्ड से जाना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जोड़ा है चैप्टर होएगा, ठीक है। उस तो बाद रजे स्टैटिस्टिक्स पढ़ांगे आप, है ना, अंकड़ा विज्ञान पढ़ांगे जिदे तो आ सारिया चीज़ों देखना पड़ेगा, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, अनग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा, सबनों पता की हुंदा थोड़ा थोड़ा, बस इस तुम ज़्यादा थोड़ा डिटेल्स पढ़ोंगे। फिर अपने को प्रोबेबिलिटी आ जाती है, हूँ प्रोबेबिलिटी देखो ये बेसिकली आप नॉट एंड एंड नाल डील करते हैं कि जो नॉट लग्या हों फिर की करना, और च की फर्क है, एंड च की फर्क है ना, जो एंड लग्या हो तो जोड़ना होंगे और जरा सिंपल एक जने नू लैना होंगे, सो अलग अलग चीज़ा ने बेसिकली। सो डोंट वरी जो तुसी करोगे तो आराम नाल ये चीज़ा जिहड़ियां कवर हो जाएंगी, ठीक है राजे। उस तो बाद पीरियोडिक टेस्ट के कुछ कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन वगैरह दी हुई ने, यह चीज़ा तो रजे एक बार निगाह चो कढ़ लियो। सो ये अपना मैथमैटिक्स का सिलेबस हो गया, सो जे बच्चे नॉन मैडिकल रख ले ने उन्होंने तो सिलेबस कंप्लीट हो गया, यानी उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमैटिक्स मैंने कवर करवाता, हूँ जे बच्चों को बायोलॉजी है यानी जे बच्चों को मैडिकल है उन्होंने आप बायो का सिलेबस एक बार देख लें। गिव मी अ सैकेंड। ओके रजे, सो हुण अपने कोल बायोलॉजी का सिलेबस आ चुके हैं, बायोलॉजी तो 2023-24 सैशन का प्लस वन का सिलेबस है, ठीक है। ये एस एच मार्क्स वगैरह देखते हैं कितने दिते हुए हैं, लेकिन तुहाडी जो यूनिट वन है दैट इज़ डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गैनिज्म, जिदे तुहाडा चैप्टर वन है तुसीं लिविंग वर्ड बारे पढ़ोंगे, ये क्योंकि हुण मेरे कोल बायोलॉजी नहीं सी, सो एस एच मैं तुहानूं इहदे च इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं दस सकती, लेकिन फिर भी जो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह तो सुने हुए हैं मैं डेफिनेटली तुहाडे नाल शेयर करूँगी। फिर उस तो बाद बायोलॉजी क्लासीफिकेशन आ जाती है, तुहाडा प्लांट किंगडम आ जाता है, काफ़ी आई थिंक प्लांट किंगडम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज जो असं उत्थे हॉस्टल होंगे सी दैन यू नो माई रूममेट्स यूज टू से प्लांट किंगडम कर रहे हैं वाला चैप्टर कर रहे हैं, सो ये वाला इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद एनीमल किंगडम करोगे तुम, ठीक है, सेलियन फीचर्स, क्लासीफिकेशन ऑफ एनीमल्स, की क्लासीफिकेशन है एनीमल्स या किस बेसिस से आप जो जानवर ने जो एनीमल्स ने अपना उन्होंने अलग अलग कर सकते हैं। फिर तुम्हारी यूनिट टू शुरू हो जाती है जिसे तुम पढ़ोगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा एक चीज़ मैं तुम्हें दसदा कि जो बच्चे बायोलॉजी रख रहे हैं जी है ड्रॉइंग काफ़ी मैटर करते हैं, बिकॉज तुमने अलग अलग शेप्स वगैरह यू नो बनानी होंदियां नेगिया, सो दैट मीनस तुम्हारी ड्रॉइंग भी थोड़ी बहुत अच्छी करके लैके जायो, क्योंकि ऑबवियसली गल है जो तुम पेपर दोगे और जो तुम उ डायग्राम बनाओगे तो ऑबवियसली जो वधिया होएगी तो ऑटोमैटिकली मार्क्स भी बहुत अच्छे बन जाएंगे, है ना। सो थोड़ा जहा जो बच्चे की ड्रॉइंग कमजोर है और थोड़ा जो अपना है बायोलॉजी सोच रहे हैं, सो डेफिनेटली मैं यही कह रही रखो ना, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हाँ हाँ जिन्हें स्किल्स ने इंप्रूव करके लैके जाओ, ठीक है। बिच मैंने बच्चों के कमेंट आते हैं मैम यू आर डीमोटिवेटिंग, हाँ सारे बच्चों इट्स नॉट डीमोटिवेशन, इट इज़ जस्ट द रियलिटी, मैं तुम्हें रियलिटी दिखा रही हूँ, नहीं मैनू की फर्क पैदा है ना, मैं क्यों दसा तो कि मैं तो सीधा कहना कि जाओ भाई रख लो की रखना है, लेकिन एज योर मैंटोर, एज योर सीनियर, और बिकॉज वी आर कनैक्टड टू ईच अदर, दैट्स वाई मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें टाइम टू टाइम गाइड करा, ठीक है। सो डीमोटिवेशन इनू मनिया करो, सिर्फ एक
एक कॉन्सेप्ट ले लिया करो, ठीक है। चलो अगे है एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, ठीक है। उस तो बाद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सैल तो बहुत ही आवला जोड़ा तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोड़ा है रजे हो तो चैप्टर है। उस तो बाद बायोमोलीक्यूल्स पढ़ोंगे, सैल साइकिल तो सैल डिवीजन पढ़ोंगे, फिर तो लगे प्लांट साइकोलॉजी आ जाती है, ठीक है। प्लांट प्लांट, ठीक है, इट्स फिजियोलॉजी, ठीक है। उस तो बाद रजे तुसी फोटोसिंथेसिस पढ़ोंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ोंगे, मतलब इनो पौधे जोड़े है सह किए लेंगे ने पूरे तो पूरा प्रोसैस पढ़ोंगे, फिर प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किमें होंगी है वो पढ़ोंगे, ठीक है। फिर ह्यूमन अपने को फिजियोलॉजी आ जाएगी जिसे आप पढ़ा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, आप किस तरीके सह लें, ठीक है। उस तो बाद अपने को बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमीनेशन, ठीक है, सारा कुछ तुम ये पढ़ोंगे। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हर एक जी चीज़ है ये जाके पढ़ोंगे, ठीक है राजी। उस तो बाद तुहाडे ही एक मिनट, उस तो बाद तुहाडे जिहड़े हैगे ये प्रैक्टिकल्स आ जाते हैं। प्रैक्टिकल्स जिहड़ा हैगा तुहाडे इत्थे मैक्सीमम मार्क्स 25 ने, जिहदे तुहाडे अलग अलग इवैल्यूएशन स्कीम वगैरह इत्थे प्रोवाइड की हुई है, जिहदे तुहाडे मार्क्स इधर जिहड़े हैगे ने इस कॉलम च दिते हुए हैगे ने, ठीक है। ये तुहाडी जिहड़ी एक्सपैरिमेंट करवाए जाणगे वो तुहाडे जिहड़ी हैगी उहदी इत्थे पूरी दी पूरी लिस्ट दिती हुई है। सो रजे जिहड़े इहदे नाल अपना जिहड़ा साइंस स्ट्रीम दा सिलेबस है वो पूरा हो जाता है। सो आई होप तुहानू ये अच्छे तरीके नाल समझ लग गया होएगा। हुण जिहड़े बच्चों नू PDF चाहिए है जे तुहानू याद होएगा एक वीडियो दे विच मैं तुहानू एक ऐप जिहड़ी हैगी शेयर कीती सी, उस ऐप ते भी यही सारियां PDFs पईआं होईआं ने, और एक जिहड़ी तुहाडी ओह नहीं हैगी जिहड़ी तुहाडी पंजाब बोर्ड दी हैगी ऐप, आई थिंक उहदा नेम हैगा पंजाब एडूकेयर ऐप, है ना, उहते भी तुहाडा जिहड़ा इह सिलेबस पिआ होइआ तुसीं, मैं तुहानू एक मिनट दिखाई दिंदी हाँ, जस्ट गिव मी अ सैकेंड। अगर तुसीं देख पा रहे हो रजे अपने कोल दोनों ही ऐप्स डाउनलोड ने, पंजाब एडूकेयर दे विच तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा पूरे दा पूरा दित्ता होया, मेरा थोड़ा जिहा एरोप्लेन मोड ते लगाया होया, सो तुसीं ए वाली ऐप दे विच वी आ दोनों ऐप्स ने, ये तो जिहड़ी मर्जी ऐप दे विच चले जाओ तुहानू जिहड़ा हैगा रजे लेटेस्ट सिलेबस वो मिल जाएगा। आई होप दैट यू फाइंड द वीडियो हैल्पफुल, और बाकी जिहड़ी हैगी आ कॉमर्स की वीडियो रहेगी, और एक जिहड़े बच्चों की ज़्यादा करियर ऑप्शन वाली आ रही है उसकी मैं स्पैशल वीडियो बना दूंगी, जिवें लॉयर वाली मैं अज बना देनी है, सो थोड़े टाइम तक अपलोड हो जाएगी। सो आई होप दैट यू पीपल फाइंड वीडियो हैल्पफुल, एंड दसो होर मैं थोड़ी की हेल्प कर सकती हाँ। विदाउट ओ वाली इनक्वायरीज मैम रिजल्ट कदों आएगा, ये कदों वो कदों, बिकॉज देखो हूँ आप पता है कि आप मैं थोड़ा ईमेल आई डी दिखाई से अपनी जिदे आप उन्होंने जी है रिक्वेस्ट पाई हुई है, ठीक है, ईमेल आई डी उन्होंने शिकायत पाई है कि सर ये वाली दिक्कत आ रही है। सो डेफिनेटली रजे चैक करेंगे तो 20 तरीक का रिजल्ट आ नहीं सकता, क्योंकि पहला कोई इनक्वायरी नहीं सही ना, मैंने बच्चों ने दसा कि उन्होंने सैट वगैरह मैच नहीं कर रही। सो जो मैंने पता लगे बच्चों ने सैट मैच कर रहे हैं, आप उदों ही उन्होंने ईमेल लिखती 5 बजन तो 2 घंटे पहला, 3 बजे हुए से कुछ उदो मैं उन्होंने ईमेल पाई सी। सो हूँ देखते हैं कि नैक्सट स्टैप की होंगे, क्योंकि मैंने लगता एक बार रिवाइज आंसर की आएगी। सो मतलब रिजल्ट तो आता इसे महीने जाएगा, लेकिन देखते हैं 20 तरीक तक तो पॉसिबिलिटी हूँ नहीं है, बिकॉज आप नहीं हो जी है ईमेल आई डी पाई ईमेल उन्होंने पाई हुई है, होर भी बहुत बच्चों ने पाई होनी है, लेकिन किसी ने ऐसा अज तक मैं कमेंट करके दसिया नहीं है कि मैम असी भी ईमेल पाई है। मोस्टली बच्चे कह रहे हैं कि मैम असी नहीं पाई नहीं पाई नहीं पाई। सो आप देखते हैं की बनता है, बाकी जीज़ा टाइम टू टाइम ने तो अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच रजे एंड गॉड ब्लेस यू माय बच्चा पार्टी।